नमस्कार, मैं हूं रजनी भारद्वाज। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स। एक बार फिर से आपके साथ चर्चा करेंगे WFI के चीफ ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेकर, जिन्होंने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है कि वो नार्को टेस्ट करवाएंगे, लेकिन रेसलर्स के साथ। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट का भी नार्को टेस्ट होगा बजरंग पुनिया के साथ और ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ। अब ये नार्को टेस्ट कब होगा, ये एक सवाल है। लेकिन इसी के साथ आज इस रिपोर्ट में हम खोलेंगे राज, ब्रिजभूषण शरण सिंह की संपत्ति के साथ साथ उनके हेलीकॉप्टर का राज। जी हाँ, आपको बताएंगे कि आखिर कितनी लग्जरी लाइफ जीते हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह। तो बताते चले कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी के बाहुबली सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह का जिंदगी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, जिसमें उनका नाम है, विवाद है, दौलत है और शोहरत भी है। ब्रिजभूषण शरण सिंह का नाम आप पिछले कई दिनों से खबरों में सुन रहे होंगे, जहां पर विवादों के चलते उनका नाम सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब बात करते हैं उनके शाही संसार की। ब्रिजभूषण शरण सिंह की कोठी 15 करोड़ रुपए में बनी। इसमें एंट्री के लिए 2 गेट दिए गए, जिसमें जनता दरबार भी लगाया जाता है। कोठी के अंदर ही गेस्ट हाउस, फैमिली कॉटेज और बड़ा सा जिम है, जहां बाहुबली सांसद खुद कसरत करते हैं। बात करें हेलीकॉप्टर की, तो ब्रिजभूषण शरण सिंह के पास 2 हेलीकॉप्टर और एक प्राइवेट जेट भी है। उनके एक हेलीकॉप्टर का रंग काला और दूसरे का रंग नीला है। उनके पास 2 हेलीपैड भी है, जिनमें से हेलीपैड कोठी के अंदर ही, दूसरा अस्तबल के पास। और सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह अपने इलाके में हेलीकॉप्टर से ही सफर करते हैं। जी हाँ, तो इतनी लग्जरी लाइफ जीते हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिनके पास उनकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन अब विवादों के चलते वो बुरी तरह से फंस चुके हैं, जहां पर उन्हें नार्को टेस्ट तो करवाना ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही ये सच्चाई भी सामने लानी पड़ेगी कि आखिर यहाँ पर इस लड़ाई में सच्चा कौन है, रेसलर्स या फिर ब्रिजभूषण शरण सिंह। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक ले दीजिए इजाजत, शुक्रिया।